हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैजान, स्वागत है आपका कैन आई टी क्यू में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं ये जानेंगे और इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चन पर काफ़ी ध्यान देंगे हम लोग अच्छे से, और सभी लेक्चर्स में हम लोग एग्जाम्पल और क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसे हैं। कोई भी क्वान्टिटी या नंबर इंक्रीज और डिक्रीज करता है एक सिमिलर पैटर्न में, एक पैटर्न में इंक्रीज करता है और एक पैटर्न में ही डिक्रीज करता है, तो उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एक बार और देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। कोई भी क्वांटिटी नंबर एक पैटर्न में इंक्रीज करती है और एक पैटर्न में ही डिक्रीज करती है, तो उसे क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग सीढ़ी का, लैडर का। जैसे आप देख पा रहे हैं, दो दोस्त हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए, एक दूसरे के साथ बने रहना चाहिए। आज के स्टोरी में हम लोग स्टोरी क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, तो कभी सक्सेस की स्टोरी पर बात करेंगे, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीढ़ी नीचे से चौड़ी है और ऊपर से पतली होती चली जा रही है, तो इसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही रिलेट करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, नीचे का जो लैडर का नीचे वाला स्टैंड है, पैर जिस पर पैर रखते हैं, नीचे वाला रॉड, उसका वो रॉड जो है ज़्यादा, उसकी ब्रेथ ज़्यादा है, जबकि उसके ऊपर वाले की थोड़ी कम हो गई है। और ऊपर जाने पर और डिक्रीज़ हो रही है, और ऊपर जाएंगे तो और डिक्रीज़ हो रही है, तो एक पैटर्न में डिक्रीज़ हो रही है। और ऊपर से अगर हम लोग उसी सीढ़ी से आएंगे तो पहले छोटी है, फिर चौड़ाई और बड़ी, और ब्रेथ बड़ी, और ब्रेथ बड़ी, इस तरह से एक पैटर्न में इंक्रीज कर रही है। जैसे हम लोग नीचे से जाएंगे तो नीचे से ऊपर जाने पर डिक्रीज कर रही है लेंथ, रॉड की जो लेंथ है जिस पर पैर रखते हैं वो डिक्रीज कर रही है। अब मान लीजिए नीचे वाला जो सबसे पॉइंट है, नीचे वाला रॉड है, वो ज़्यादा हैगा, कम मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, ऊपर जाने पर 6 हो गया, और ऊपर गए 4 हो गया, और ऊपर गए 2 हो गया, इसी 2-2 के पैटर्न में डिक्रीज कर रही है। कैसे डिक्रीज कर रही है, इसकी ब्रेथ, रॉड की लेंथ, इस तरह से जो है चौड़ाई में वो 2-2 के पैटर्न्स में डिक्रीज कर रही है ना। तो इसी तरह एक पैटर्न में कोई भी क्वांटिटी या नंबर डिक्रीज करना चाहिए, या फिर कोई क्वांटिटी और नंबर किसी पैटर्न में ही इंक्रीज करना चाहिए और डिक्रीज करना चाहिए, तो इसी को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के द्वारा सीखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं किसे, डेफिनेशन देखेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे हम लोग, डेफिनेशन देखते हैं। क्वांटिटीज आर सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन दे इंक्रीज और डिक्रीज बाई अ कॉमन डिफरेंस। क्या कह रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज बाई अ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसे समझ लेते हैं हम लोग। क्वांटिटी या कोई भी नंबर एक पैटर्न में इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा तो क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक पैटर्न में किस तरह से, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। 2, 4, 6, 8, 10, ये कुछ सीरीज दी हुई है, कह रहे हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो हम लोग ने क्या सीखा, इंक्रीज और डिक्रीज करें सेम कॉमन डिफरेंस से एक पैटर्न में, है ना, तो उसे कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखते हैं 2, 4, 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, और ये 6 और 2, 4 में, इसमें भी 6 माइनस 4, 2 का डिफरेंस है। 8 माइनस 6 कितने का डिफरेंस है, 2 का। 10 माइनस 8 कितने का डिफरेंस है, 2 का। यानी कि क्या पैटर्न चल रहा है, 2-2 के पैटर्न में इंक्रीज कर रहा है, है ना। पैटर्न क्या बन रहा है, 2-2 के पैटर्न में इंक्रीज कर रहा है, इनके बीच का डिफरेंस सारे नंबर्स के बीच का क्या है, 2 है, तो इसे क्या कहेंगे, एपी कहेंगे या नहीं, जी हाँ बिल्कुल, ये क्या है, एपी है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, 1, 3, 9, 12, 13, क्या ये एपी है या नहीं बोल रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल एपी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 3 और -1 करेंगे तो 2 आएगा,
और 9 माइनस 3 करेंगे तो 6, ये मतलब रैंडम बढ़े जा रहे हैं, सिमिलर वे में नहीं बढ़ रहे हैं, एक पैटर्न में नहीं चल रहे हैं, जहाँ मन आ रहे हैं वहाँ भागे चले जा रहे हैं। एक पैटर्न में इंक्रीज कर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन क्या है, एक पैटर्न में इंक्रीज करे और एक पैटर्न में ही डिक्रीज करे। तो ये जो इंक्रीज कर रहे हैं ये एक पैटर्न में नहीं कर रहे, रैंडम बस बढ़ा दिया नंबर, 1 से 3 चले गए, 3 से 9 चले गए, 9 से 12, ऐसे थोड़ी ना करना है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? जी हाँ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या करना आएगा, क्वांटिटी या नंबर कोई भी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए इंक्रीज और डिक्रीज सेम कॉमन डिफरेंस से करना चाहिए। अगर इनके इनके बीच का डिफरेंस, जैसे 3 माइनस 1 करेंगे 2 का है, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ये 5 होता और ये वाला 7, तो क्या इनके बीच का डिफरेंस 2 बन जाता, तो ये क्या हो जाता, कॉमन डिफरेंस 2 होता, तो और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती। जिस तरह ये है, ये वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और हाँ, एक बात और, इसमें हम लोग सभी नंबर्स को टर्म्स की तरह देखेंगे, पदों की तरह, ठीक है। जैसे ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, ठीक है। हम लोग सभी नंबर्स को टर्म्स में कंसिडर करेंगे, किस में करेंगे, टर्म्स में, पदों में कंसिडर करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ एपी हम लोग देख लेते हैं किसे कहते हैं, ये आई होप आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं, ये एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख लेते हैं हम लोग। अगर किसी का, किसी नंबर का फर्स्ट टर्म मान लीजिए ए है, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो अगला टर्म क्या होगा उसका, जैसे हम लोगों ने 2 लिया था तो उसका अगला टर्म कॉमन डिफरेंस सेम बनाने के लिए अगर इसे 4 कर दें, है ना, तो इनके इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2 का, और अगला लें तो उनका भी डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। इसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म क्या ले रहे हैं ए ले रहे हैं, तो अगला टर्म क्या लेंगे ए प्लस डी, और उसका अगला क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे। फर्स्ट टर्म में एक बार फर्स्ट टर्म था ए ऐसे ही लिखा, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, फिर थर्ड टर्म में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को 2 टाइम्स ऐड कर देंगे, है ना, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इसी डिफरेंस में हम लोग आगे चलेंगे, इसी पैटर्न में आगे बढ़ेंगे, ए ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, किस पैटर्न में चल रहे हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जा रहे हैं। और हाँ, इस जनरल फॉर्म ऑफ AP को देखकर हम लोग ये एग्जामिन कर सकते हैं, पहला टर्म क्या है ए है, दूसरा ए प्लस डी है, और थर्ड टर्म क्या है ए प्लस 2D, और फोर्थ टर्म क्या है ए प्लस 3D, यानी कि जो टर्म बोल रहे हैं उससे डी एक कम हो रहा है ना, जैसे फोर्थ टर्म बोला तो ए प्लस 3D है, डी कितने है 3 है, और देखिए थर्ड में ए प्लस 2D है, जितने टर्म्स बोल रहे हैं उससे एक डी कम हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, अगर 20th टर्म बोल रहे हैं तो क्या होगा, ए प्लस 20D, 20th टर्म क्या होना चाहिए 20D होना चाहिए, लेकिन पैटर्न से क्या पता चल रहा है हम लोगों को, एक डी कम हो जा रहा है, तो क्या करेंगे एक डी कम कर देंगे, तो ये क्या बचेगा ए प्लस 19D। अगर हम लोगों से कहा जाए 50th टर्म, 50 वाले बताओ तो क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस 50D नहीं लिखेंगे, जितना बोल रहे हैं उससे एक कम मिल रहा है ना इस पैटर्न से, तो क्या करेंगे 49D। समझ गए, 20th बोला था तो जितना बोल रहे हैं टर्म्स उससे एक डी कम कर देंगे, ए प्लस 20D माइनस डी, तो इसे अब हम लोग समझ गए ही हैं, तो ए प्लस 50th बोला था तो ए प्लस 49D, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं हम लोग, उससे पहले कॉमन डिफरेंस समझ लेते हैं किसे कहते हैं, द डिफरेंस इन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ईच केस, यानी कि इस तरह कहेंगे, पहला टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स किसको कह रहे हैं, पहला उसके बाद दूसरा,
कंसेक्यूटिव नंबर किसे कहते हैं? एक के बाद दूसरी गिनती, एक के बाद दूसरा नंबर। वैसे इसमें भी हम लोग तो कॉमा ए प्लस डी है, तो कॉमन डिफरेंस इसका डी है ना। तो कॉमन डिफरेंस निकालना किस तरह से हम लोगों को ये देखना है। कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। कंसेक्यूटिव टर्म्स कैसे? डी करेंगे ए प्लस डी माइनस ए, तो इनका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? डी आ जाएगा, है ना। इसको हम लोग डी डैश मान ले रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, वैसे तो डी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आया? डी आया। इसी तरह से अगर क्या तीसरे टर्म से दूसरा टर्म माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे और उसी से कॉमन डिफरेंस भी निकालना सीखेंगे। चलिए एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं द लिस्ट नंबर 1 1 2 3 5, यू कैन टेल दैट द गिवन लिस्ट आर एपी और नॉट। कह रहे हैं ये दिए गए लिस्ट की जो नंबर्स की लिस्ट है ये एपी में है या नहीं है, तो चलिए करके देखेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे इसे। 1 1 2 3 5, कह रहे हैं एपी है या नहीं है। कैसे कंसिडर, कैसे पता चलेगा ये एपी में है या नहीं है? इनके बीच का क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, सारी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी वन डी टू डी थ्री करके। और कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी? द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, है ना, इन ईच केस। पहला केस ये वाला हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा चौथा, ठीक है। मान लीजिए डी वन निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। डी वन निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। और सारे डी अगर सेम आएंगे तो क्या होगा? कहेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि एपी में है। अगर सारे डी सेम नहीं आते आएंगे तो क्या कहेंगे? एपी में नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में भी नहीं है। क्या करेंगे? टू डिफरेंस, द डिफरेंस इन द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, क्या करेंगे? द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी दूसरा माइनस पहला, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। तो डी वन निकाल रहे थे, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो क्या आया? 0 आया इनके बीच कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब डी टू निकालेंगे। ईच केस बोल रहे थे ना, सारे केस में जाएंगे, सारे केस चेक करेंगे, सारे टर्म्स को रख रख के, ठीक है। अब क्या करेंगे? डी टू कैसे निकालेंगे? 2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा? 2 में से एक गए, 1। डी थ्री निकालेंगे। अब डी थ्री निकालने के लिए क्या करेंगे? फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, है ना। क्या कह रहे थे? द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ईच केस। पहले केस में क्या था? दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। फिर डी टू निकाला, यानी कि सेकेंड केस में आ गए। सेकेंड केस में क्या था? थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट सेकेंड टर्म। अब डी थ्री निकालना है हम लोगों को। अब तीसरे केस में आ गए तो क्या करेंगे? फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या है? 3 माइनस क्या करेंगे? 2 करेंगे, इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। अब डी फोर निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन बताएगा? हाँ, डी फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितने भी डी निकालेंगे। तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, 5 में से 3 गए, 2 सभी को पता है। तो देखते हैं D1 क्या है? 0, D2 1, D3 1, D4 2। तो क्या इनके बीच ये कॉमन डिफरेंस है? ये बिल्कुल एक पैटर्न में तो डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये है ना, एक पैटर्न में इंक्रीज नहीं हो रहा है। 0 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, फिर 2 हो गया, या तो 0 ही रहता या 1 1 के टर्म्स में इंक्रीज करता। जैसे 1 से 1 ही रहा, 2 हो गया, 3 हुआ, 5 हुआ, ये रैंडम इंक्रीज कर रहे हैं ना, एक पैटर्न में इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। एक पैटर्न में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए एक पैटर्न में इंक्रीज करना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं है। तो ये क्या होगा? एपी होगा या नहीं होगा? इट इज़ नॉट एपी, है ना। आंसर क्या होगा आएगा? ये एपी नहीं है। ये कर लिया हम लोगों ने, आप इसे नोट कर सकते हैं।
और लिखें दिया गया एग्जांपल यानी गिवन एग्जांपल इज नॉट एपी, नॉट इन एपी। समझ गए आप लोग? एक बार और देखते हैं, लिस्ट दी हुई थी नंबर्स की, उनका कॉमन डिफरेंस निकाल लिया हम लोगों ने। कॉमन डिफरेंस सेम होता यानी कि डी सेम होता सभी का, तो क्या होता ये एपी में होता, डी सेम नहीं है तो ये एपी में नहीं है, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कुछ और एक एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग, चलें एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं राइट द फर्स्ट फोर, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस डी। राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स, यहाँ पर क्या है टर्म्स है टी ई आर एम एस, ठीक है। राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ ए पी व्हेन फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 0। तो क्या बताना है हम लोगों को, फर्स्ट फोर टर्म्स बताना है। अब हम लोग यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ ए पी का। जनरल फॉर्म ऑफ ए पी क्या थी, पहला टर्म ए, सेकेंड टर्म क्या था ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस ऐड करना था। फिर थर्ड टर्म क्या था ए प्लस टू डी। ये कौन बताएगा कि फोर्थ टर्म क्या होगा? जी हाँ, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी होगा, क्योंकि एक डी कम कर देते हैं, ए प्लस थ्री डी। फोर्थ टर्म लिख लें एक दो तीन चार, ठीक है। अब ए तो दिया हुआ है हम लोगों का, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 10 और कॉमन डिफरेंस डी। अब क्या करेंगे हम लोग, ए की जगह क्या रखेंगे 10, और ए की जगह फिर से 10 प्लस डी की जगह क्या रखेंगे 10 दिया हुआ है, जिस तरह क्वेश्चन में दिया है उसी तरह करेंगे। ए की जगह 10 रखा फर्स्ट टर्म, फिर ए प्लस डी करना था, ए की वैल्यू क्या है 10 है और डी दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू क्या है 10 है, 10 रखा कॉमा लगाया, फिर ए की जगह 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई का साइन है ना, फिर क्या करेंगे डी की वैल्यू रखेंगे, डी की वैल्यू क्या है 10, फिर ए प्लस 3 मल्टीप्लाई का साइन, डी की वैल्यू 10। अब क्या करेंगे, इन्हें ऐड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहला टर्म क्या है ए इज इक्वल टू 10, सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी यानी कि वैल्यूज रख दी 10 और 10 20। अब क्या करेंगे 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से ऐड कर देंगे, 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20, 20 प्लस 10 30। फिर क्या करेंगे 10 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40, 10 को 3 मल्टीप्लाई किया 30 प्लस 10 40। तो क्या मिला हम लोगों को, कह रहे थे राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ ए पी, तो हम लोगों ने क्या किया जनरल फॉर्म ऑफ ए पी बना ली, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, फिर ए की और डी की वैल्यूज रख दी सिंपल और मल्टीप्लाई ऐड करा तो क्या मिला 10 20 30 40। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है 10 10 का, तो ये ए पी में है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं एक्सरसाइज में। तो एक एग्जांपल और करके देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं फॉर 3 1 माइनस 1 माइनस 3 ए पी इज, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। इनका पहला टर्म और क्या बताना है कॉमन डिफरेंस। ये जो लिस्ट दी है 3 1 माइनस 1 माइनस 3 ए पी की लिस्ट दी है, ये ए पी में खुद बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं इनका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बताओ। तो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसे, पूरी लिस्ट उतारेंगे 3 1 माइनस 1 और माइनस 3, ठीक है। ये लिस्ट उतारी, कह रहे हैं पहला टर्म फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। कि पहला कितना कठिन बोला है ये, फर्स्ट टर्म कैसे बताएंगे, जो पहला नंबर होगा वही तो फर्स्ट टर्म होगा है ना। तो पहला नंबर क्या है ए इज इक्वल टू 3, यानी कि ये तो हल हो गया। पहला टर्म क्या है हम लोगों का ए इज इक्वल टू 3। अब कॉमन डिफरेंस बताना है हम लोगों को, जो लिस्ट का पहला नंबर होगा वही तो फर्स्ट टर्म होगा, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे है ना। तो अब देखेंगे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सारे ईच केस में यानी कि सारे केस में डिफरेंस निकालेंगे। अगर सेम आता है तो क्या होगा कॉमन डिफरेंस, सेम तो आना ही है क्योंकि बोल रहे हैं एपी में, तो सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकाल कर देख लेते हम लोग। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे डी इज इक्वल टू
कंजर्गेटिव टर्म्स है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो d निकाल कर देखते हैं हम लोग, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है 1 और फर्स्ट टर्म क्या है 3 माइनस 3 फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आया माइनस 2। इनको इनको माइनस तो कर ही लेंगे बिल्कुल, माइनस 3 से 1 कैंसिल करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, इसे d1 कह ले रहे हैं। ठीक है, अब d2 निकाल कर देख ले रहे हैं, d2 यानी कि दूसरे केस में चल रहे हैं अब। जी हाँ बिल्कुल, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है माइनस 1 और सेकेंड टर्म 1, तो माइनस 1 माइनस का साइन लगाएंगे और 1 क्या आया d2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 2 है ना, माइनस माइनस ऐड कर लेते हैं तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। अब एक d और बचा निकाल कर देख लेते हैं, वो भी अगर वो भी माइनस टू आता है, इनका डिफरेंस माइनस टू आता है तो क्या होगा, ap तो है ये खुद ही बोल रहे हैं है ना, तो हम लोग इतना काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन करके देख लेते हैं आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या करेंगे माइनस थ्री, फोर्थ टर्म माइनस थ्री, माइनस का साइन लगाएंगे और फिर थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है माइनस वन, तो डी थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस थ्री प्लस वन क्या आएगा डी थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। कॉमन डिफरेंस क्या मिला हम लोगों को, ए इज इक्वल टू थ्री आया और डी इज इक्वल टू सॉरी माइनस टू है। समझ गए आप लोग, एक बार इसे और देख लेते हैं हम लोग, कह रहे थे फॉर ये लिस्ट दी गई थी 3 1 1 3 माइनस 1 माइनस 3 एपी, कह रहे थे ये लिस्ट एपी में राइट, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना था इनका। तो पहला टर्म तो वही होगा जो पहली संख्या होगी, पहला नंबर होगा, तो पहला नंबर क्या था इसमें 3। अब कॉमन डिफरेंस निकालना आपको आता ही है, डिफरेंस निकाल लेंगे दोनों कंजर्वेटिव नंबर्स का। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे की एक्सरसाइज 5.1 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं उसका आंसर स्वयं खुद से दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में सवाल पूछना बिल्कुल भी मत भूलें, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और आगे पढ़ सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैन आई टीच यू।